एक जंगल में पांच बंदरों की टोली ने जंगल में सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था और जंगल के सभी पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कभी किसी को डंडे से मारते थे तो कभी पक्षियों के अंडे चुरा कर फोड़ देते थे। और फिर एक दिन इन बंदरों ने सोचा, क्यों ना हमें दूसरे जंगल में जाकर जानवरों को परेशान करना चाहिए। और इसी तरह दूसरे जंगल में गए जहाँ पर सिर्फ कंगारू रहा करते थे। वे कंगारुओं से खाने की चीजें छीन लिया करते थे और कभी कभी कंगारू रात को सो रहे होते थे तो इनके ऊपर पक्षियों के अंडे चुरा कर मारते थे। इसे दोनों जंगल के जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसीलिए इन्होंने सोचा अब हमें खुद ही ऐसा करना होगा कि इन बंदरों को बहुत अच्छा सबक मिले। दोनों जंगल के जानवरों ने उन बंदरों को सबक सिखाने को ठान लिया। तभी एक कंगारू का सरदार बंदर के सरदार को आमंत्रण पर बुलाता है और कहता है, हम आपको दावत देना चाहते हैं और साथ में आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। और सभी खुशी खुशी दावत पर जाते हैं। वे जैसे ही दावत पर जाते हैं, उन्हें दावत देने से पहले कंगारू एक छोटा सा खेल खिलाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ रख रहे हैं और आप सभी बंदरों को ये मिठाई बिना हाथ लगाए खाना है, इसीलिए आप सभी के हाथ को बांध दिया जाएगा। सभी बंदर कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और इसके बाद सभी बंदरों के हाथों को बांध दिया जाता है। जैसे ही बंदरों के हाथ को बांधा जाता है, जंगल के सभी जानवर मिलकर पांचों बंदरों की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को भी फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।